कोलकाता की घटना के बाद जहां महिला सुरक्षा की आवाज पूरे देश में बुलंदी से उठ रही है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग बंगाल की डॉक्टर को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वहीं इन सब के बीच मुरादाबाद में महिला से हैवानियत की घटना सामने आई, बिल्कुल बंगाल के जैसे। खबर के मुताबिक वार्ड बॉय ने पहले नर्स को डॉक्टर के कमरे में जबरन भेजा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद खुद डॉक्टर ने नर्स के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बल्कि आरोपियों ने नर्स से मुंह बंद रखने को भी कहा और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नर्स ठाकुर द्वार के अस्पताल में 10 महीने से काम करती है और 17 अगस्त की रात ड्यूटी करने गई थी। ड्यूटी के दौरान रात करीब 12 बजे नर्स को डॉक्टर के कमरे में जाने को कहा गया। अनहोनी की आशंका होने पर नर्स ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन वार्ड बॉय ने कहा कि डॉक्टर साहब ने जरूरी काम से अंदर बुलाया है। इसके बाद भी उसने जाने से मना किया तो वार्ड बॉय ने जबरन उसे चिकित्सक यानी डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। इसके बाद उसे अंदर ढकेला और दरवाजा बंद कर दिया और इसके बाद डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले पर मुरादाबाद के रूरल एसपी संदीप कुमार मीणा का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, पहले उसे सुन लीजिए। मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा BNS की धारा 61(2), 64(2), 351(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स के साथ हैवानियत हुई है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर ने रात करीब 12 बजे नर्स को बुलाया। वार्ड बॉय की मदद से नर्स को जबरन घसीट कर कमरे के अंदर लाया गया और उसके बाद बाहर से कुंडी लगा दी गई और उसके बाद डॉक्टर ने कमरे में बंधक बनाकर उस 20 साल की नर्स के साथ रेप किया। यही खबर सामने आई और ऐसी ही बातों की पुष्टि भी हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और डॉक्टर, वार्ड बॉय के साथ एक और नर्स को गिरफ्तार किया गया। ठाकुर द्वार SDM मणि अरोड़ा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अस्पताल पहुंची। ABM अस्पताल को सील भी कर दिया गया। पहले कोलकाता, फिर उत्तराखंड और अब बिहार और अब मुरादाबाद। देश भर में इतने आक्रोश के बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की ऐसी खबरों में बने रहने के लिए आप इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।